हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल द टाइम्स एजुकेशन में। हमने पिछली वीडियो में कोशिका का पहला पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने सेल यानी कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण, कोशिका का पहला पार्ट जो सुरक्षात्मक आवरण था, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, उसको कवर किया है। आज हम कोशिका के पार्ट टू में देखने वाले हैं जीव द्रव्य को। तो कोशिका का जीव द्रव्य क्या है और मतलब ये कहाँ तैरता रहता है, इसकी बात करेंगे हम कोशिका में। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप, और अगर आप यूपीटर वाले सी पीईटी ग्रुप डी लेखपाल एनटीपीसी एसआई एएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब वीडियो को लाइक करना है, इसलिए मैं पहले नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज बात करते हैं जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य का होता है जो कोशिका का दूसरा पार्ट है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य के कई पार्ट हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, बरलक, गोल्जी काय, तारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया, ईटीसी। मतलब ये क्या हैं, इनकी खोज किसने की है, कहाँ मतलब जीव द्रव्य में इनका क्या क्या कार्य है, इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहले बात करेंगे हम अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ईआर क्या करेंगे, अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर क्या होती है। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है हमारी, उसे हम कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए पेपर में पूछे कि कोशिका का कंकाल तंत्र कैसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, जो हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे हम कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र। बात करें हम कि जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी खोज किसने की थी, तो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज की थी वो एक वैज्ञानिक थे, पोर्टर। जो हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी जो खोज की थी वो एक वैज्ञानिक है, पोर्टर। किसने की थी, पोर्टर ने। अंतःप्रद्रव्य जालिका होता क्या है, कोशिका का कंकाल तंत्र। और जो हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये एक तरफ कोशिका भित्ति क्या होती है, ये एक तरफ कोशिका भित्ति व दूसरी तरफ कोशिका झिल्ली से जुड़ी रहती है, व दूसरी तरफ कोशिका झिल्ली से जुड़ी रहती है। ये एक तरफ कोशिका भित्ति व दूसरी तरफ कोशिका झिल्ली से जुड़ी रहती है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें पार्ट वन पढ़ा हुआ है वीडियो का, आप वहां जाकर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली देख सकते हैं पार्ट वन में। चलिए, ये एक तरफ कोशिका भित्ति व दूसरी तरफ कोशिका झिल्ली से जुड़ी रहती है, क्या, अंतःप्रद्रव्य जालिका। और जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है हमारी ईआर, वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन सी, एक तो होती है स्मूथ ईआर, इसके दो पार्ट होते हैं ईआर के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एक स्मूथ ईआर और एक होती है हमारी रफ ईआर। रफ ईआर, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो स्मूथ होती है हमारी वो कौन सी, कैसी होती है, मुलायम ईआर, जो मुलायम मतलब मुलायम जालिका होती है, और ये होती है हमारी कैसी, खुरदरी। रफ ईआर खुरदरी, जो हमारी खुरदरी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है इस पर राइबोसोम के दाने, इस पर राइबोसोम के दाने, इस पर राइबोसोम के दाने चिपके रहते हैं। क्या रहते हैं, इस पर राइबोसोम के दाने चिपके रहते हैं। अब बात करें अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है, अब सरल भाषा में अंतःप्रद्रव्य जालिका हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। दूसरी बात, इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और ये एक तरफ कोशिका भित्ति व दूसरी तरफ कोशिका झिल्ली से जुड़ी रहती है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली मतलब देखिए, ये
कोशिका भित्ति और ये कोशिका झिल्ली, हमारी जो बीच में इन दोनों को जो आपस में जोड़े रखती है, इन दोनों को जो आपस में जोड़े रखती है उसे बोलते हैं हम ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःवृद्ध भी जालिकाओं। इसके दो पार्ट, मतलब ये दो भागों में होती है, एक स्मूथ यानी मुलायम ER होती है, एक रफ यानी खुरदरी होती है। तो खुरदरी जो होती है उस पर राइबोसोम के दाने चिपके रहते हैं खुरदरी पर। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, आगे बात करने वाले हैं हम राइबोसोम की। अंतःवृद्ध भी जालिका आपने देख ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आपने नोट नहीं किया है तो साथ में नोट करते जाइए। आगे देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, अब राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम आपको बता दिया, एक तरफ जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके दूसरे पार्ट यानी जो खुरदरी ER होती है उस पर चिपके रहते हैं किसके? राइबोसोम के दाने। बात करें राइबोसोम की खोज किसने की थी, राइबोसोम की खोज की थी एक वैज्ञानिक थे हमारे पैलेट, एक पैलेट भैया थे जिन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम की खोज, अब बात करें हम राइबोसोम क्या होते हैं तो, और राइबोसोम मतलब क्या काम है इसका, तो आपने पढ़ा होगा एक प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री यानी प्रोटीन कहाँ बनती है? राइबोसोम में। प्रोटीन तो और भी जगह बनती है लेकिन राइबोसोम को हम क्या क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है ये केंद्रक, ध्यान रखना केंद्रक, केंद्रक में राइबोसोम पाया जाता है और ER पर राइबोसोम के दाने चिपके रहते हैं। बात करें राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, केंद्रक पर पाया जाता है और ER पर पाया जाता है। अब बात करें जो प्रोटीन होती है वो राइबोसोम में किसकी सहायता से बनती है, प्रोटीन जो होती है हमारी वो राइबोसोम में बनती है लेकिन किसकी सहायता से बनती है? तो एक होता है हमारा DNA और एक होता है RNA। तो DNA RNA व अमीनो एसिड, DNA RNA व अमीनो एसिड की सहायता से, DNA RNA व अमीनो एसिड की सहायता से राइबोसोम में, ध्यान रखना राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण किसकी सहायता से होता है? तो DNA RNA व अमीनो एसिड की सहायता से राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए नोट करिए जल्दी कीजिएगा जल्दी जल्दी, DNA RNA व अमीनो एसिड की सहायता से राइबोसोम में प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। बात करें राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेट ने। राइबोसोम में क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य, केंद्रक और ER में राइबोसोम के दाने पाए, मतलब राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किससे होता है? DNA RNA और अमीनो एसिड की सहायता से। अब बात करते हैं लवक यानी बरड़क, बात करते हैं लवक यानी बरड़क क्या होते हैं। बरड़क यानी कि लवक, जो लवक होते हैं हमारे उसकी खोज जो की थी, खोज किसने की थी? एक हैकल नाम के वैज्ञानिक थे, कौन थे? हैकल। बरड़क यानी लवक की जो खोज की थी वो हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और बरड़क जो होते हैं वो केवल पादप कोशिका में, पादप मतलब पौधों में, बरड़क केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बरड़क केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बरड़क किस में पाए जाते हैं? बात करें बरड़क की तो बरड़क पाए जाते हैं पादप कोशिकाओं में। और ये जो होते हैं, एक वैज्ञानिक थे सिंपर, कौन से वैज्ञानिक थे? सिंपर। सिंपर नामक वैज्ञानिक ने बरड़क को तीन भागों में बांटा था। सिंपर नामक वैज्ञानिक ने बरड़क को तीन भागों में बांटा। अब बात करें बरड़क जो हमारा बरड़क है उसमें दो वैज्ञानिक आ गए, कौन से? एक हैकल और दूसरे कौन से? सिंपर। बात करेंगे बरड़क को तीन पार्टों में किसने बांटा था, तो ध्यान रखना है आपको सिंपर ने। और बरड़क यानी लवक की खोज किसने की थी? हैकल ने। तो वो तीन पार्ट कौन से थे देखते हैं। बरड़क तीन प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा,
एक होते हैं बरनी लबक, दूसरे कौन से होते हैं अवरणी लबक, और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं हमारे हरित लबक। बरनी लबक, अवरणी लबक और तीसरे होते हैं हरित लबक। बरनी लबक हमारे कौन से होते हैं? बरनी लबक जो हमारे वो होते हैं, जैसे कोई पौधा है उसके कलर का जो काम होता है, जैसे गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, और आपने जैसे सेब का जो सेब होता है, सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो बरनी लबक होते हैं। जैसे मिर्च है हमारी, तो मिर्च का रंग कैसा होता है? मिर्च का रंग होता है लाल, और लाल रंग किसके कारण होता है? बरड़क के। अब पूछे कौन से बरड़क के कारण होता है, तो बरनी लबक, जो बरनी लबक है उसके कारण होता है हमारा मिर्च का लाल रंग। किसके कारण होता है? मिर्च का लाल रंग होता है हमारा कैप्सेथिन के कारण। ध्यान रखना, मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण। ऐसे ही पूछे सेब का लाल रंग हमारा किसके कारण होता है? किसका? सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? तो सेब का जो लाल रंग हमारा होता है वो होता है किसके? एंथोसाइनिन के कारण। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन। अगर पूछ ले आपसे बैंगन का नीला रंग किसके कारण होता है? बैंगन का नीला रंग, तो बैंगन का जो नीला रंग होता है वो होता है हमारे एक बरड़क होता है, उसमें कौन सा बरड़क होता है? वो होता है जैंथोफिल। बरड़क का, बैंगन का नीला रंग जो होता है जैंथोफिल के कारण। और आपको कोशिका यानी कोशिका को ख़त्म कराने के बाद, जो दूसरे पार्ट में कोशिका ख़त्म हो रही है उसको कराने के बाद, आपको जो ये लिखवाए जाएंगे कि मिर्च का लाल रंग, सेब का लाल रंग, हल्दी का पीलापन, पपीते का पीलापन किसके कारण होता है। अगर आपको याद है तो सही बात सही है, अगर नहीं याद है तो आपको उस वीडियो के माध्यम से कवर कराए जाएंगे, देख लेना जाके। अब बात करते हैं बरनी लबक की। अगर मैं यहाँ आपको बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको केवल यहाँ बताना है कि बरनी लबक क्या होता है, उसका क्या कार्य है, और बरनी लबक का क्या कार्य है। और बरनी लबक वो होते हैं जो मतलब पादप यानी पौधे का जो भाग प्रकाश की तरफ होता है, पौधे का जो भाग प्रकाश की तरफ होता है, मतलब प्रकाश प्रकाशमान होता है, प्रकाश को अपने आप मतलब अवशोषित करता है, वो सब कैसे होते हैं? बरनी लबक के अंतर्गत आते हैं। बात करें बरनी लबक क्या होते हैं, तो बरनी लबक वो होते हैं जिनसे पौधों को भोजन प्राप्त होता है, वो बरनी लबक कहलाते हैं। और जो प्रकाश से मतलब जो प्रकाश होता है हमारा उससे अलग रहते हैं, प्रकाश से अंधेरे में रहते हैं। तो जैसे हमारा एक जैसे हमारी पादप की यानी पौधों की जो जड़ होती है वो एक बरनी लबक के अंतर्गत आती है। वो कैसी होती है? जड़ रंगहीन होती है और प्रकाशहीन होती है, इसे प्रकाश नहीं मिलता, और ये क्या करती है? पौधों को भोजन बनाने का काम करती है। अब बात करें हरित लबक की, तो हमारा हरित लबक क्या होता है? हरित लबक को आपने देखा होगा, जो हमारा हरित लबक होता है उसे हम कोशिका का रसोईघर भी कहते हैं। हरित लबक को क्या कहते हैं? हरित लबक को कहते हैं हम कोशिका का रसोईघर। अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो हरित लवक को। हरित लवक क्या होते हैं? रसोई घर कहते हैं। और हरित लवक होते हैं, इसके हरित लवक के दो पार्ट हैं। हरित लवक के दो पार्ट कौन से हैं? देखिए इधर से आपने नोट कर लिया होगा, इधर से मैं मिटा रहा हूँ इसे। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए हरित लवक, इसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन से होते हैं? एक तो होता है गिरेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। गिरेना और स्ट्रोमा क्या होते हैं? ये गिरेना जो होते हैं ये पादप कोशिकाओं में भाग लेते हैं, और जो स्ट्रोमा जो हमारे होते हैं जो होता है ये अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। कौन सी अप्रकाशिक? जिन्हें प्रकाश नहीं मिलता, ये अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ये अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, क्या? स्ट्रोमा। हरित लवक का ये दूसरा पार्ट स्ट्रोमा है, वो अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। अब बात करें कि
जो हमारा होता है हरित लवक कोश कागज, जैसे रसोई घर बोलते हैं। अब बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण जो होता है हमारा, ये स्ट्रोमा जो होता है अप्रकाश का अभिक्रिया में भाग लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस रंग में ज़्यादा और किस रंग में सबसे कम होता है, तो ध्यान रखना हमारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो लाल रंग में सबसे ज़्यादा और हरे रंग में सबसे कम होता है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, नोट करते जाइए साथ में, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक व हरे रंग में सबसे कम होता है, व हरे रंग में सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण हमारा लाल रंग में सबसे अधिक व हरे रंग में सबसे कम होता है। ये कोशिका का पार्ट टू है, कोशिका का ये थोड़ा सा पार्ट रहेगा है, लाइसोसोम, तारककाय और गोल्जी का वगैरह, वो आपको पार्ट तीन में कवर कराए जाएंगे, इसलिए देखते रहिए हमारी वीडियो को। और अगर आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम मतलब होने ही वाला है कुछ ही महीने में, सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा, अगर आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना पड़ेगा वो साइंस पर देना पड़ेगा। किस पर? साइंस पर। साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में। तो चलिए, धन्यवाद।